हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। और मैं आया हूँ A1 रेजेंसी में। यहाँ पर जड़ से घर अवेलेबल है 60 गज का रीसेल में। सोसाइटी पूरी बसी हुई है। एक मूर्ति से अप्रोक्स 2 किलोमीटर है। आशीष जी अभी इसमें आपको प्रॉपर वो बता देंगे रूट लास्ट में लगभग कि कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन देंगे। लोन वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं है। पार्टी ने डायरेक्ट कैश लेके खरीदा था। इसमें ऑनर भी आपको मिल जाएंगे और फैमिली भी मैं आपको दिखा दूंगा जो यहाँ रह रही है। बाकी चीज़ें हम आशीष जी के साथ डिस्कस करते हैं किस तरह से है, कितने में सेल होना है, क्या है, वो भी आपको पता चली जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम आ गया हूँ 60 गज के मकान में A1 रेजिडेंसी में, और आशीष जी हैं जो मुझे बताने वाले हैं। हेलो आशीष जी, कैसे हो? आशीष जी, साउंड मेरा माइक गुम हो गया। अच्छा, हाँ, नया माइक अभी लूंगा। क्या हालचाल? बढ़िया जी सर। ये कौन सा रीसेल का मकान ले आए हो? जय हनुमान जी। 60 गज में है। अच्छा, और इसका साइज भी ठीक है, 18x30 में है। चलो अंदर चल के देखें जरा इसको। अच्छा देखो जी, पहले एंट्री करते हैं, हनुमान जी के दर्शन हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एक एंट्री है फैमिली लिखी हुई है। ये नीचे अपना स्पेस इन्वर्टर वगैरह के लिए हो गया। उसके अलावा ये गेस्ट रूम एक है। अच्छा, आप ऑनर हैं इनके? हेलो, ओके। ये हॉल, एक हॉल यहाँ पे कर दिया। इधर एक वॉशरूम, यहाँ पर किचन। ये लगभग 10x10 का हॉल है। हाँ, 10x10 वगैरह लगेगी। अच्छा, स्पेस पूरा। ये एक मूर्ति से कितना पड़ेगा आशीष जी? एक मूर्ति से जस्ट पड़ेगा ये सर 2 किलोमीटर की दूरी। 2 किलोमीटर पे। अच्छा, एक रूम यहाँ पर है पूरा। बेडरूम का साइज क्या है? 18x12 लगभग। अच्छा, 15x12 है। ठीक, इधर मंदिर आपने बनाया है। ठीक है। आशीष जी ऊपर चले, एक बार ऊपर से देख ले। चलिए इधर आ जाते हैं। सामने एक मूर्ति का इलाका होगा उधर। हाँ, बहुत घर बने हुए हैं। आशीष जी, इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं रीसेल में? डॉक्यूमेंट पूरे हैं सर, रीसेल में है। ऑनर यहीं पे ही मिलेंगे घर। हाँ, वो जो मुझे सामने फैमिली रह रही है। अच्छा, हाँ इलाका तो ठीक है अपना, पूरी प्रॉपर बनी हुई है, पूरी की पूरी, सारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अच्छा, इस पे लोन वोन कोई चल रहा है? लोन कुछ नहीं चल रहा, कैश में लिया। अच्छा, कोई लोन भी नहीं है, गुड, ये भी बहुत। लेकिन अगर किसी को कराना हो तो करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मान के चलिए 25 लाख का 80% मान लो, लगभग 20 लाख रुपए लोन करा देंगे आपको। डाउन पेमेंट वही 3-4 लाख रुपए की देंगे। अच्छा, 3-4 लाख की ही डाउन पेमेंट देनी है। इलेक्ट्रिसिटी कोई बिल कुछ पेंडिंग, कोई ऐसी चीज जिसमें दिक्कत हो? नहीं है, टाइम टू टाइम भरा गया है, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ के यही दिखा देंगे आपको। ओके, मतलब जब देखने आएंगे तो आप डॉक्यूमेंट सारे चेक करवा देंगे उसी टाइम। अच्छा ठीक है। अब एक मूर्ति से, क्योंकि ये लगभग कितना, 2 किलोमीटर पे है आई थिंक, 2 किलोमीटर पे है और इलाका बसा हुआ है। हाँ, पूरा इलाका बसा हुआ है। एक मूर्ति से 2 किलोमीटर पड़ता है। एक मूर्ति से आपको सीधे आना है हाईवे, मिलक वाले गोल चक्कर से, टैक्जॉन 7 जो है, एजुकेशन हब, वहां से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट आकर के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, 40 फिट का चौड़ा रोड आता है जो कॉलोनी के 20 फिट के रोड में मिलता है, और कॉलोनी से 2-4 घर छोड़ गई ये पड़ता है। अच्छा, तो मोटा मोटा हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सबसे ज्यादा जितने भी ड्यूटी वाले हैं या नोएडा में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ इस कॉलोनी में ही बसे हुए हैं लगभग सारे। अच्छा, मतलब वर्किंग क्लास है यहाँ पर सारी। चारों तरफ आप देखोगे लगभग मेरे हिसाब से 800 के लगभग घर बने हुए हैं। ठीक है आशीष जी, इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी है और घर भी ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लोग इसको देखना चाहेंगे और मैं उनके लिए लेके जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।